खंडवा में सामूहिक श्रमदान से लोगों ने पुराने जल स्त्रोतों की साफ सफाई का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में गौतम नगर क्षेत्र के लोग पिछले 5 दिन से ऐतिहासिक सूरज कुंड की सफाई कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि भीषण जल संकट के दौर में इस कुंड ने उन्हें निर्बाध रूप से पीने का पानी उपलब्ध कराया है, इसलिए उनका भी दायित्व है कि इसे साफ सुथरा रखें। खंडवा के चारों दिशाओं में 4 कुंड है, इसमें से एक सूरज कुंड भी है। यहाँ चारों कुंड ऐतिहासिक हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का कुछ समय खांडव वन में व्यतीत हुआ था। यही खांडव वन वर्तमान में खंडवा शहर है। इस शहर की चारों दिशाओं में 4 कुंड हैं। पूर्व में सूरज कुंड, पश्चिम में पदम कुंड, उत्तर में रामेश्वर कुंड और दक्षिण में भीम कुंड है। स्थानीय रहवासी नियमित रूप से ऐतिहासिक कुंडों की सफाई करते हैं। शहर के विस्तार के साथ साथ यह कुंड अब शहर की बसाहट का हिस्सा बन चुका है। आसपास कॉलोनियों का विस्तार भी हो चुका है। इन कॉलोनियों में हालांकि नगर निगम की सप्लाई व्यवस्था है, लेकिन मुसीबतों के दौर में यही कुंड इन्हें निर्बाध रूप से पानी उपलब्ध कराता है। सूरज कुंड के आसपास की कॉलोनी के लोग हर साल इस कुंड की सफाई करते हैं और इस बार भी इन लोगों ने सामूहिक श्रमदान से इसे साफ करने का बीड़ा उठाया। आज गौतम नगर कॉलोनी में ये जो कुंड आप देख रहे हो ऐतिहासिक कुंड है और इसकी सफाई गौतम नगर समिति विगत 4 दिनों से कर रही है। श्रृंखला बना के सभी पूरे कॉलोनी निवासी, हमारे पार्षद महोदय और हर साल प्रतिवर्ष इस कुंड की सफाई कॉलोनी द्वारा की जाती है। ये कुंड की ऐसी तो ऐतिहासिक में आप देखो तो जो इतिहास के हिसाब से है कि भाई जैसे कि श्री रामचंद्र भगवान को 14 वर्षों का जब वनवास हुआ था तो वो वनवास के उस पीरियड में यहाँ पर रुके थे और इसको खांडव वन कहते अपने खंडवा को, जो बाद में ये खंडवा पड़ा, तो उसी में से एक यहाँ पर भी। और आप ये देख रहे हो भोलेनाथ का मंदिर जो है, तो ये शिवलिंग की स्थापना भी ऐसी मान्यता है कि श्री रामचंद्र भगवान के द्वारा की गई थी। और माता सीता को जब पानी की प्यास लगी थी तो यहाँ से तीर चला के, बाण चला के ये कुंड में से पानी आया था और उसके बाद में कुंड को विस्तार करा और आज उस धरोहर को गौतम नगर समिति संभाल के रख रही है। उसकी साफ सफाई स्वच्छता पर पूरा प्रतिवर्ष कर रही है। 2009 से लेके अभी प्रतिवर्ष हर साल सफाई करते हैं। हालांकि खंडवा में नर्मदा जल योजना से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन इस बार भीषण गर्मी के दौर में नगर निगम की जल व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक कुंडों ने आसपास के रहवासियों को पीने और निस्तार के लिए पानी उपलब्ध कराया है। इन कुंडों में पानी की निरंतरता को देखते हुए इस बार नगर निगम ने भी इन्हें आर्थिक और तकनीकी सहयोग देने का वादा किया है। स्थानीय पार्षद भी नगर निगम की इस पहल को सोने पर सुहागा मानते हैं। देखो, हमारा जो शहर है खंडवा शहर, ये बहुत ऐतिहासिक शहर है। इसमें 4 कुंडों की बहुत चारों दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में 4 कुंड, सूरज कुंड, भीम कुंड, राम कुंड एवं पदम कुंड, ये चारों दिशाओं में बसे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणों से इन कुंडों का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, न इनकी साफ सफाई व्यवस्था हो पा रही है। लेकिन चूंकि जहां सूरज कुंड स्थित है, इसी वार्ड से मेरी श्रीमती अभी लोकल में पार्षद है और हम लोग पिछले विगत 5 सालों से समिति, यहां जितने भी रहवासी है गौतम नगर के, ये लोगों को पानी की आज तारीख तक के नगर निगम से कोई सुविधा नहीं रही, तो सभी ने मिलकर इस कुंड की साफ सफाई कर इसका पानी आज तारीख तक के इस्तेमाल किया जाता है। कि अभी कमिश्नर साहब आए हुए तो उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि शहर में जितनी भी कुएं बावड़ी वगैरह है सभी का हम लोगों को साफ सफाई करवाना है। तो इस बार प्रथम वर्ष है कि नगर निगम से हमको कुछ मदद मिली है कुंड को सफाई के लिए। नहीं तो रहवासी जो गौतम नगर के हैं, यही लोग आपस में जो समिति बनी हुई हर प्रतिवर्ष साफ सफाई करते थे। अभी चूँकि स्वच्छता अभियान चल रहा है और उसमें कॉलोनी में भी हम लोग जो भी मतलब नाली वगैरह की इसकी सफाई वगैरह व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो गौतम नगर की जो समिति है हमेशा मुझे भी कॉपरेट करते आई है। इसलिए आज जो कुंड की सफाई हो रही है उसमें प्रत्येक मतलब परिवार से लगभग लगभग एक सदस्य मौजूद है।